देवघर में आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने एक दिवसीय आंदोलन दिया। आईएमए और झांसा झारखंड के संयुक्त आह्वान पर देवघर के सभी चिकित्सकों ने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा को इस समस्या मुक्त रखा गया और मरीजों को खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। चिकित्सकों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में झारखंड में 7 जगहों पर डॉक्टरों के साथ मारपीट, अभद्रता और दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। इसमें स्वास्थ्यकर्मी आहत हैं। चिकित्सा कर्मियों ने मेडिकल प्रेजेंटेशन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग की है। झारखंड राज्य में पिछले 15 दिनों के अंदर 7 जगह चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और कई जगह मारपीट भी हुई है। इस ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। बचाव के कई रास्ते हो सकते हैं, जिसमें एक रास्ता मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जो देश के 19 राज्यों में लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड सरकार ने लागू नहीं किया है और बार बार सरकार से यह वादा मिलता है कि इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे। इसको लेके हम लोगों ने 26 तारीख को पिछले सभी जिले में उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन सरकार के कानों तक जो भी नहीं रहे। इस बात का निर्णय है आईएमए और झांसा झारखंड राज्य के स्तर पर निर्णय लिया गया है और इसका कारण यह है कि पिछले 15 दिनों में 7 जगहों पर डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार मारपीट की घटनाएं हुई और इसके अलावा जो है बार बार हमारी मांग करने के बावजूद हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस